हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर टेक्नो फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिसे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिसे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, अगर इस तरह चालू नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो अगर ऐसे भी सही नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगी। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेंगे, अब आपको चेक करना है फ़ोन चार्ज है कि नहीं है। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो चार्ज कर लेना, फिर अपने फ़ोन को आप चला पाएंगे। समय समय पर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आपका फ़ोन सही से चलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।